स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। जैसा कि आपको पता है, इग्नू की तरफ से जनवरी सेशन 2021 का री रजिस्ट्रेशन स्टार्ट कर दिया गया है और इसके रिगार्डिंग अभी भी आपके कई डाउट है। जैसे कि आपने नेक्स्ट ईयर या फिर नेक्स्ट सेमेस्टर के लिए अपना री रजिस्ट्रेशन करवा लिया है, पर आपका री रजिस्ट्रेशन कन्फर्म हुआ है या नहीं, इसको आप चेक कैसे कर सकते हैं। साथ ही में अभी आप री रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए एलिजिबल है और वेबसाइट पे बताया जा रहा है कि आप इसके लिए एलिजिबल नहीं है, तो आपको क्या करना होगा। और साथ ही में री रजिस्ट्रेशन का फीस पेमेंट करने के बाद भी फीस नॉट पेड बता रहा है, यानी कि आपके अकाउंट से पैसे कट चुके हैं और स्टेटस चेक करने पर फीस नॉट पेड बता रहा है, तो आपको क्या करना होगा। और साथ ही में आप एप्लीकेशन फॉर्म को कैसे डाउनलोड कर सकते हैं, इन सभी समस्याओं का क्या समाधान है, इस वीडियो में हम पूरा डिटेल में बात करेंगे। तो इसलिए आप वीडियो को कम्प्लीट जरूर देखिएगा, जिससे कि बाद में आपका कोई डाउट न रहे। और अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि इग्नू से रिलेटेड सभी जानकारी आपको मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि आपका री रजिस्ट्रेशन कन्फर्म हुआ है या नहीं, इसको आप कैसे चेक कर सकते हैं। तो इसके लिए आप इग्नू के ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाएंगे। यहाँ पर आपको मिल जाएगा रजिस्टर ऑनलाइन और यहाँ पर आपको मिल जाएगा री रजिस्ट्रेशन। इस पर आप क्लिक करेंगे और नीचे करेंगे तो यहाँ पर आपको एक बॉक्स मिल जाएगा, इसको टिक करेंगे और यहाँ प्रोसीड फॉर री रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे और यहाँ से आप अपने अकाउंट में लॉग इन करेंगे। यहाँ पर आप अपना एनरोलमेंट नंबर डालेंगे और यहाँ पर पासवर्ड डालेंगे, कैप्चा कोड डाल करके यहाँ लॉग इन पर क्लिक करेंगे, लॉग इन हो जाएंगे। और अगर आपको पासवर्ड नहीं पता है तो यहाँ से आप पासवर्ड को रीसेट भी कर सकते हैं। सभी डिटेल्स डालने के बाद यहाँ आप लॉग इन पर क्लिक करेंगे तो आप अपने अकाउंट में सक्सेसफुली लॉगिन हो जाएंगे। इस तरीके से आपका री रजिस्ट्रेशन कंफर्म हुआ है या नहीं चेक करने के लिए यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा। आपका जो भी प्रोग्राम होगा, यहाँ पर प्रोग्राम कोड और प्रोग्राम का नाम लिखा हुआ आ जाएगा। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा क्लिक हियर, इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके प्रोग्राम का और आपका सभी डिटेल ओपन होकर आ जाएगा। आपने कौन से सेशन में कौन से ईयर के लिए अपना री रजिस्ट्रेशन करवाया, सभी डिटेल ओपन होकर आ जाएगा। यहाँ पर सब्जेक्ट कोड आ जाएगा, सब्जेक्ट का नाम आ जाएगा, आपका ये जो सब्जेक्ट है वो कंपलसरी है या फिर इलेक्टिव है वो भी लिखा हुआ आ जाएगा, और ये कितने क्रेडिट का है वो लिखा हुआ आ जाएगा, और आपने कौन से सेशन में अपना री रजिस्ट्रेशन करवाया है वो भी यहाँ पर इस तरीके से लिखा हुआ आ जाएगा। तो मान लीजिए कि आपने जनवरी सेशन 2021 में अपना री रजिस्ट्रेशन करवाया है, तो यहाँ पर उस चीज को इंस्टेंटली अपडेट कर दिया जाता है। एग्जाम्पल के लिए अगर आपने थर्ड ईयर या फिर सेकेंड ईयर के लिए अपना री रजिस्ट्रेशन करवाया है तो यहाँ पर इस चीज को तुरंत ही अपडेट कर दिया जाता है, यानी कि जैसे ही आपने अपना री रजिस्ट्रेशन करवाया है तो पेमेंट होने के बाद ही यहाँ पर इसको अपडेट कर दिया जाता है। अगर बाई चांस अपडेट नहीं होता है, अपडेट ना होने के भी कई कारण है जिसके बारे में अभी हम आगे बात करेंगे, पर यहाँ पर प्रॉब्लम यह है कि आप इसका स्टेटस चेक करने के लिए यहाँ पर आते हैं स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम के पोर्टल पर। तो यहाँ पर आप एनरोलमेंट नंबर और प्रोग्राम कोड डाल करके यहाँ पर लॉगिन करते हैं तो इस तरीके का इंटरफेस आता है। और यहाँ पर अगर आपने जनवरी सेशन 2021 में अपना री रजिस्ट्रेशन करवाया होगा तो इसको अभी यहाँ पर अपडेट नहीं किया गया, तो आपको ऐसा लगता है कि हमारा री रजिस्ट्रेशन कन्फर्म हुआ नहीं है, तो ऐसा नहीं है। इस पोर्टल पर इसको अपडेट होने में अप्रोक्स 1 से 2 महीने तक का समय लग जाता है, तो यहाँ पर आपको 1 या फिर 2 महीने का वेट करना होगा, उसके बाद यहाँ पर इसको अपडेट किया जाता है। बाकी जैसे ही आपका पेमेंट सक्सेसफुली हो जाता है तो यहाँ पर इसको इंस्टेंटली अपडेट कर दिया जाता है, तो इसका मतलब ये है कि आपका री रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली कंफर्म हो चुका है, पर यहाँ पर इसको अपडेट होने में टाइम लगेगा, तो आपको वेट करना होगा। साथ ही में आप इस बात का भी ध्यान देंगे, यहाँ पर आप जिस भी सेशन या फिर सेमेस्टर के लिए अपना री रजिस्ट्रेशन करवाते हैं और आप जो भी सब्जेक्ट सेलेक्ट करते हैं, यहाँ पर सब्जेक्ट कोड आप देख लेंगे कि आपने क्या क्या सब्जेक्ट कोड यहाँ पर सेलेक्ट किया है, और यहाँ पर भी आपको सब्जेक्ट कोड को मैच करना होता है। यहाँ पर आपने जो भी सब्जेक्ट कोड सेलेक्ट किया है, अगर वो सब्जेक्ट कोड यहाँ पर नहीं है या फिर गलत सब्जेक्ट कोड यहाँ पर अपडेट कर दिया गया है तो इसे आपको सही करवाना होता है, और रीजनल सेंटर से ये चीजें आपको सही करवाना होता है। तो अगर कोई भी सब्जेक्ट कोड यहाँ पर गलत अपडेट हो जाता है तो इसको आपको रीजनल सेंटर से सही करवाना होता है, तो इस चीज को आपको चेक करना होता है, और यहाँ पर इसको अपडेट होने में टाइम लग सकता है। साथ ही में आपका री रजिस्ट्रेशन कन्फर्म हुआ है या नहीं, इसको आप यहाँ से भी चेक कर सकते हैं। यहाँ री रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे, यहाँ री रजिस्ट्रेशन हिस्ट्री का ऑप्शन आपको मिल जाएगा, यहाँ क्लिक हियर पर क्लिक करेंगे तो अगर आपका पेमेंट सक्सेसफुली हो जाता है तो यहाँ पर सबमिटेड लिखा हुआ आ जाता है, और यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म को प्रिंट आउट करने का भी ऑप्शन आपको दे दिया जाता है। यहाँ पर क्लिक करेंगे प्रिंट पर और यहाँ पर आपको मिल जाएगा प्रिंट, तो यहाँ से आप इसका प्रिंट आउट ले सकते हैं या फिर पीडीएफ फॉर्मेट में सेव करके रख सकते हैं। और अब बात करते हैं कि आप नेक्स्ट ईयर या फिर नेक्स्ट सेमेस्टर के लिए री रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए एलिजिबल है और वेबसाइट पे कुछ इस तरीके से बता रहा है या फिर इस तरीके से बता रहा है कि करेंटली नो री रजिस्ट्रेशन सेशन एक्टिव फॉर योर नेक्स्ट टर्म, तो आपको करना क्या होगा। तो सबसे पहले आपको ये चेक करना है कि आप अभी री रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए एलिजिबल है या नहीं। तो आप री रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए एलिजिबल है या नहीं, इसका इन्फॉर्मेशन आपको इस वाली वेबसाइट पर मिल जाएगा, इसका लिंक नीचे दिया गया है, आप यहाँ पर आके इसको पढ़ सकते हैं। फिर भी मैं आपको बता देता हूँ, अगर आपका एडमिशन जनवरी सेशन 2020 में हुआ है इग्नू के किसी भी ईयर वाइज प्रोग्राम में, जैसे कि BAG, BCOM, BSCG, MCOM, MA या फिर कोई भी ईयर वाइज प्रोग्राम है, तो आप जनवरी सेशन 2020
2021 में री रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए एलिजिबल है, या फिर आपका एडमिशन जनवरी सेशन 2020 में हुआ है किसी भी सेमेस्टर बेस प्रोग्राम में और आपको री रजिस्ट्रेशन जुलाई सेशन 2020 में करवाना था पर आप नहीं करवा पाए तो अभी आप करवा सकते हैं, या फिर आपका एडमिशन जुलाई सेशन 2020 में हुआ है किसी भी सेमेस्टर बेस प्रोग्राम में जैसे कि बीसीए या फिर एमसीए तो भी आप जनवरी सेशन 2021 में री रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए एलिजिबल है। तो इसको आप यहाँ पर आकर के खुद भी पढ़ सकते हैं। तो सबसे पहले तो आपको यही चेक करना होगा कि अभी आप री रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए एलिजिबल है या नहीं। और मान लीजिए कि आप री रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए एलिजिबल है और फिर भी वेबसाइट पर यही इंटरफेस आ रहा है कि आप अभी री रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए एलिजिबल नहीं है तो आपको करना क्या होगा। तो सिंपल है, इसके लिए आपको इग्नू को कॉन्टेक्ट करना होगा, इग्नू को ईमेल करना होगा। यहाँ पर ये ईमेल आईडी है और साथ ही में ये ईमेल आईडी है, इस ईमेल आईडी पर आपको इग्नू को ईमेल करना होगा और आपको बताना होगा कि आप री रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए एलिजिबल है पर वेबसाइट पे बता रहा है कि आप री रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए एलिजिबल नहीं है तो आपको क्या करना चाहिए। तो इग्नू को आप ईमेल करेंगे तो आपका जो भी प्रॉब्लम है उसको फिक्स कर दिया जाएगा, यानी कि यहाँ पर ये जो एरर आ रहा है इसको सही कर दिया जाएगा और फिर आप अपना री रजिस्ट्रेशन करवा पाएंगे। तो सिंपल है, आपको इग्नू को इस ईमेल आईडी पर ईमेल करना होगा अगर आपके साथ कुछ ऐसा प्रॉब्लम है तो। और साथ ही में आपको स्क्रीन शॉट भी अटैच करना होगा। यहाँ पर आपको जो भी इंटरफेस दिखाया जा रहा है जैसे कि इस तरीके का इंटरफेस आ रहा है तो आप इसका स्क्रीन शॉट लेकर के ईमेल में इसको भी आप अटैच कर सकते हैं तो आपका जो प्रॉब्लम है वो ईमेल करने के बाद फिक्स कर दिया जाएगा। और आप में से कई स्टूडेंट का ये डाउट है कि री रजिस्ट्रेशन का फीस पेमेंट करने के बाद ही फीस नॉट पेड बता रहा है, इसका स्टेटस आप चेक कर रहे हैं। यहाँ री रजिस्ट्रेशन वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं और यहाँ पर क्लिक करते हैं हिस्ट्री वाले ऑप्शन में तो यहाँ पर इस तरीके से आ रहा है न्यू एप्लीकेशन और यहाँ व्यू पर क्लिक कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको बताया जा रहा है कि फी नॉट पेड, यानी कि यहाँ पर आपका फीस पेमेंट हुआ नहीं है। तो यहाँ पर ये एरर आने के कई कारण हो सकते हैं, हो सकता है कि आपका पेमेंट हुआ ही ना हो या फिर किन्हीं कारणों की वजह से आप पेमेंट कर रहे हो और ट्रांजेक्शन फेल हो गया होगा तो आपका पेमेंट नहीं हुआ होगा। फिर भी बाई चांस आपने फीस पेमेंट कर दिया है और आपके अकाउंट से पैसे भी कट चुके हैं और यहाँ पर फिर भी बता रहा है कि फी नॉट पेड, तो ऐसे में आप ये कर सकते हैं कि आप जो है तकरीबन 72 आवर्स का वेट कीजिए, हो सकता है उसके बाद यहाँ पर इसको फिक्स कर दिया जाए यानी कि यहाँ पर फीस पेड बता दे। अगर फिर भी नहीं होता है तो भी आपको इग्नू को ईमेल ही करना होगा, इस ईमेल आईडी पर आपको इग्नू को ईमेल करना होगा और साथ ही में इस पर भी कर सकते हैं, यानी कि इस ईमेल आईडी पर ईमेल करना कंपलसरी है अगर आपके साथ कुछ ऐसा प्रॉब्लम है तो। साथ ही में आप इस बात का भी ध्यान देंगे अगर आप ईमेल कर रहे हैं तो आपको ये भी ईमेल में टाइप करना होगा कि आपने फीस पेमेंट कर दिया है और वेबसाइट पे जो है फीस नॉट पेड बता रहा है और साथ ही में आप ईमेल में जो आपके अकाउंट से पेमेंट कट हुए है उसका स्क्रीनशॉट या फिर पेमेंट हिस्ट्री का भी स्क्रीनशॉट आप अटैच कर सकते हैं जिससे कि उन्हें ये लगे कि आपने वास्तव में फीस पेमेंट किया है पर वेबसाइट पे इसको अपडेट नहीं किया गया है तो आपके प्रॉब्लम को फिक्स कर दिया जाएगा, यानी कि आपको इग्नू को ईमेल करना होगा। तो अगर आपके साथ भी कोई ऐसा प्रॉब्लम है, आपने फीस पे कर दिया है और आपके अकाउंट से पैसे कट चुके हैं पर यहाँ पर फीस नॉट पेड बता रहा है तो आपको इग्नू को इस ईमेल आईडी पर ईमेल करना होगा और ईमेल में आपको स्क्रीनशॉट भी अटैच करना होगा आपके पेमेंट कट का। और जब यहाँ पर आपके इस प्रॉब्लम को फिक्स कर दिया जाएगा तो यहाँ पर सबमिटेड लिखा हुआ आ जाएगा और यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट आउट लेने का भी ऑप्शन आ जाएगा। तो बस इस वीडियो में इतना है, इस वीडियो के माध्यम से आपके काफी डाउट क्लियर हो गए होंगे। यदि फिर भी कोई डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं। इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।